दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है आज मैं कुछ ना बनाऊं, मैं भी बाहर जाऊं और तरह तरह के व्यंजन खाऊं, देखूं और सभी से पूछूं कैसे बनाया जाता है। मुझे तो आता नहीं व्यंजन बनाना, बस जब भूख लगती है जो मिलता है वही खा लेती हूँ। तो कैसे बनाया जाए यह व्यंजन तो पता नहीं, पर बनाने वाले के हाथों में कुदरत ने भी खूब गुण लिखा हुआ है। पहले छोटे थे, माँ खाना बनाया करती थी, कैसा भी हो बड़ा अच्छा लगता था। तन मन में फुर्ती सी लहर दौड़ती थी और माँ को कहते थे हम लोग कि माँ, तुम इतना अच्छा खाना बनाकर हमें ना खिलाया करो, कभी हम तुम्हारा हाथ ना बटा पाएंगे। माँ भी मुस्कुराते हुए कहती, अरे बच्चों, तुम लोगों के लिए मैं तो कुछ भी बनाऊं, इस जहाँ का जो भी चीज है लाकर मैं उसे बनाकर तुम्हें खिलाऊं, तुम खुश रहो तो मैं भी खुश रहूं। आज तो वो बातें नहीं रही, माँ भी नहीं रही। हाँ, खाना खाने को मन करता है अच्छा अच्छा तो बाहर निकल जाते हैं, होटल पर खाते हैं, अच्छा लगता है, पर रोज रोज वही खाना नहीं खाया जाता। जो माँ के हाथों का गुण था ना, वो भुलाया नहीं जाता। माँ के हाथों का खाना इतना स्वादिष्ट होता था, इतना अच्छा होता था, उससे बीमारियां तक नहीं होती। पर अब ये तो हम हमेशा नहीं खा सकते ना दोस्तों। यही कहते हुए जय हिंद, जय भारत।